एवरीवन, वेलकम टू माय मिस जोन। आज मैं आपको ब्रोकली की सब्जी सिंपल तरीके से बताने जा रही हूँ। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने 1/2 kg ब्रोकली ली है जिसे मैंने गर्म पानी में अच्छे से धो लिया है। 250 ग्राम आलू लिए हैं जिसे मैंने काट कर धो के रख लिया है। 2 मैंने प्याज लिए हैं जिसे मैंने बारीक काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं, 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने। लहसुन को मैंने बारीक बारीक काट लिया है और अदरक को मैंने कद्दूकस कर लिया है। 2 बड़े चम्मच तेल के डाली, 1 अच्छे से गर्म होने के बाद 1 टीस्पून जीरा डालें, फिर चॉप किया हुआ लहसुन डालें, अब इसमें प्याज डालें और उसे गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएं। प्याज के गोल्डन ब्राउन होने के बाद आप 2 ग्रीन चिली डालें। अगर आप तीखा ज्यादा पसंद करते हैं तो उसमें आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। अब इसमें टमाटर डालें और अच्छे से मिक्स करें। इसमें कद्दूकस किया हुआ अदरक डालें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली डालें। वन टीस्पून हल्दी डालें। आप चाहे तो इसमें और भी मसाले अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। अब मसाले को अच्छी तरह से पका लें। अब मसाले में ब्रोकली ऐड करें और उसे मिक्स करें। इसके बाद आलू डालें। अब मसालों के साथ इसको अच्छे से मिक्स कर लें। ये देखिए अब मिक्स हो चुके हैं, ढककर इसे पका लीजिए 10 से 15 मिनट तक और बीच में चेक भी करते रहिए। अब सब्जी पककर तैयार है। अब इसमें गरम मसाला डालकर उसे अच्छे से मिक्स कर लें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। बेल आइकन दबाने से मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएगी। तो मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक बाय बाय।